आदमी जब सवेरे उठता है तो बड़ी ऊर्जा के साथ उठता है, उसके उसको कई काम निपटाने होते हैं और वो सोचता है कि मेरा दिन जो है वो अच्छा जाए। लेकिन सवेरे सवेरे जब इस तरह की खबरें हमें मिलती है तो दुख होता है, शोक होता है और एक ऐसी अपूर्णीय क्षति होती है जिसको भर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और ऐसा ही आज के दिन हुआ। सुबह सुबह जब मैं उठा तो पहली खबर जो मुझे मिली वो थी दूधनाथ सिंह जी की मृत्यु की खबर। और इसी दुख में, इसी अपूर्णीय क्षति जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा उनकी ही कविता से भरने का प्रयास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कविता का नाम है मैं जाता हूँ। जब मैं हार गया सब कुछ करते करते मुझे नींद आ गई, जब मैं गुहार लगाते लगाते थक गया मुझे नींद आ गई, जब मैं भरपेट सोकर उठा हड़बोंग में फंसा गुस्सा आया जब मुझे नींद आ गई, जब तुम्हारे इधर उधर घर के भीतर बिस्तर से सितारों की दूरी तक भागते निपटाते पीठ के उल्टे धनुष में हूँक लगाते चुनरी से उलझते पल्लू में पिन फंसाते तर्जनी की ठोड़ी पर छलक आई खून की बूंद को होठों से चूमते खींचते याद करते भूली हुई बातों पर सिर ठोकते बाहर बाहर मेरी आवाज़ की अनसुनी करते, यही तो चाहिए था तुम्हें, ऐसा ही निपट आलस्य ललित लालित्य यह विजन में खुले हुए अस्त व्यस्त होठों का नीला आकाश, ऐसी ही ध्वस्त मस्त निर्जन पराजय पौरुष की। इसी तरह हस्ती निहारती बालक को जब तुम गई मुझे नींद आ गई, जब तुमने लौट कर जगाया माथा सहलाया तब मुझको नींद आ गई। मैं हूँ तुम्हारा उधार खाता, मैं हूँ तुम्हारी चिड़ तंग तंग चोली, तुम्हारी स्वतंत्रता पर कसी हुई फटी हुई चादर लुगरी तुम्हारी फेंकी हुई। मैं हूँ तुम्हारा वो सदियों का बूढ़ा अश्व जिसकी पीठ पर ढेर सारी मक्खियाँ टूटी हुई नाल से खोदता सूना रणस्थल, लो अब संभालो अपनी रणभूमि, मैं अब जाता हूँ।